मेरा नाम ललित कुमार है, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। मैंने जून 2016 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्लीट किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है। उस टाइम लखनऊ में कोई मैथमेटिकल साइंस की एकेडमी नहीं थी और इसलिए मुझे जो है दिल्ली जाना पड़ा। और जब मैं दिल्ली गया तो मुझे वहाँ जा करके मुझे राइजिंग स्टार एकेडमी के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि राइजिंग स्टार एकेडमी की ब्रांच जियासराय में उसी टाइम ही खुली थी। तो उससे पहले मैं एडमिशन ले चुका था दूसरी एकेडमी में। तो फिर मैंने 6 मंथ जब दिए, तो 6 मंथ तैयारी के दौरान मैंने जब दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि मैं ये सोच के गया था कि मैं फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर जाऊंगा, और यही मैंने अपने घर वालों को भी विश्वास दिलाया था। लेकिन नहीं एग्ज़ाम निकला तो मैं बहुत दुखी हुआ, डिप्रेस हुआ। मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि सेकेंड टाइम में मैं नहीं रुक सकता था, इतनी मेरी कंडीशन नहीं ठीक थी कि मैं वहाँ पर सेकेंड टाइम में रुक पाऊँ। तो वहीं पे उसी एकेडमी में एक मेरे दोस्त, एक हिसाब से वो दोस्त बन गए, वो एक हिसाब से मेरे लिए वो फरिश्ते ही थे, जिनका नाम कुलदीप सिंह पंगाल, जो कि हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट से थे। अननोन पर्सन ही थे, लेकिन वो मेरे उनको मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई, सारी कहानी बताई, सारी सिचुएशन, तो उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की, हर तरह से जितना पॉसिबल था मेरी हेल्प की। एक छोटे भाई समझ कर मेरी काफ़ी हेल्प की उन्होंने, जिसको मैं पूरी लाइफ टाइम नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने मेरे लिए सर से बात की, त्यागी सर को मेरी सिचुएशन बताई। फिर उसी टाइम त्यागी सर के वहाँ रिपीटर बैच चल रहा था, तो मैंने क्लास ज्वाइन की। जब फर्स्ट क्लास मैंने की, तो फर्स्ट क्लास करने के बाद जब मैं निकला बाहर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा था, एक अलग ही तरह की एनर्जी, जैसे कि मेरे अंदर एक फिर से उम्मीद जग गई कि मैं यहाँ बहुत कुछ सीख सकता हूँ अच्छे से और एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। फिर मैंने सर से बात की, तो सर ने मेरे से मुझे समझाया, मुझे यही कहा कि आपका बेस चाहे कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन आप अगर ईमानदारी से, मेहनत और ईमानदारी से लगातार आप अगर लगे रहोगे, तो एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ये बात सर ने जो बात बोली मेरे दिल दिमाग में बैठ गई। और सर यही बहुत बता रहे थे कि मतलब हमें यही सजेस्ट किया कि जिसने 10+2 में या BSc वगैरह में जिसने बुक से अच्छे से स्टडी कर रखी है, तो ऐसे बच्चों का फर्स्ट टाइम में ही निकल जाता है, नहीं तो मतलब उनको इतना टाइम नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, जितनी आपकी तैयारी है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर ईमानदारी से, मेहनत से, अच्छे से सीखते जाओगे, तो एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। फिर मैंने सेकेंड टाइम में एग्ज़ाम दिया सर के वहाँ तैयारी करके, बट सेकंड टाइम में भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। तो मैं दुखी इतना नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था मेरा बेस काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, कुलदीप के पास, तो उसने मेरे से एक बात कही कि तेरा एग्ज़ाम अगर फर्स्ट टाइम में निकल जाता तो बहुत ही बुरा होता। तो हमने कहा ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि अभी तूने सीखा ही क्या था। तो मेरी वहाँ से समझ में आया, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जितना हम अच्छे से सीख लें वो ज़्यादा मेरे लिए काम आएगा, ना कि एग्ज़ाम क्लियर होना। चलो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा वो तो ज़रूरी है, लेकिन सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फिर से यही सोचकर फिर से क्लास ज्वाइन कर ली सर की, और फिर मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मैं फिर से फेल हो गया, मेरा फिर से नहीं एग्ज़ाम निकला। फिर मैं काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन मैं सोच लिया था, मुझे बार बार सर की बात वो याद आ रही थी कि आप लगे रहो, बस लगे रहो। और सर त्यागी सर बहुत ही मुझे पल पल मोटिवेट करते रहे, हर तरह से उन्होंने मेरी हेल्प की। त्यागी सर, मोहित सर और सुशील सर, जो कि सर वहाँ पे भले टीच नहीं करते, लेकिन वो मुझे बहुत मोटिवेट करते रहे। जब भी मिलते थे ऑफिस में, सर हमसे यही कहते थे कि ललित लगा रहे, तू लगा रहेगा ईमानदारी से, तेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। यही बात सोच करके मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहा। हमने सोचा सर जब कह रहे हैं इतना और इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों ना मेहनत करें, जब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। और वही मैं धीरे धीरे तैयारी करता रहा, और फिर जाके मेरा फोर्थ टाइम में इस बार दिसंबर 2018 का मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि
मैंने जो इतना भले इतना टाइम लग गया लेकिन मैंने बहुत कुछ सीख लिया इतने टाइम में। और त्यागी सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है। वो पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें एक हिसाब से बहुत अच्छे मोटिवेटर भी सर हैं, और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं हिस्ट्री का, इंग्लिश का। और जो उनका पढ़ाने का तरीका है, हंसा हंसा के पढ़ाना, चुटकुले सुनाना, इतनी लंबी क्लास होते हुए भी बोर नहीं होता कोई। वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज सर देते हैं। और मेरे हिसाब से चाहे कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, चाहे बेस कितना भी हो, बेस हो चाहे ना हो, इवन चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी ना हो, फिर भी वो राइजिंग स्टार एकेडमी में ज्वाइन करके वो बहुत कुछ सीख सकता है। मैथमेटिक्स ही नहीं, अदर चीज़ें सीख सकता है, लाइफ को जीने का तरीका सीख सकता है, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकता है। जब सीख जाएगा तो एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। और मोहित सर बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो पढ़ाई के अलावा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बच्चों का मोटिवेट करते हैं, टेस्ट के लिए सर कहते रहते हैं, बच्चे कहीं भी हों, ये नहीं क्लास में ही, बाहर दिया सराय में कहीं भी मिल जाए सर, लेकिन बच्चों को हर वक्त गाइड करते रहते हैं, ये नहीं सिर्फ क्लास तक ही सीमित रहे, हर तरह से जितना पॉसिबल है मोहित सर बहुत सपोर्ट करते हैं। और त्यागी सर, मोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा उनका, पढ़ाना क्या वो सिखाते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं सिखाने पे। पढ़ाना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सिखाना उससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जब मैं इतना कमज़ोर स्टूडेंट होते हुए भी, जो एकदम मैंने उम्मीदें भी छोड़ दी थी, इतना डिप्रेस हो गया था, अगर मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तभी पॉसिबल है जब आप राइजिंग स्टार एकेडमी ज्वाइन कर सकें। तो थैंक यू सो मच।